आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि सुमिरन का विषय है। हर कोई इस प्रभु परमात्मा का नाम लेता है, हर कोई सुमिरन करता है, हर कोई परमात्मा को याद करता है, लेकिन हर युग में इस परमात्मा का नाम अलग अलग वाक्यों में लिया गया। जैसे कलयुग में हुआ, कलयुग में इस परमात्मा का नाम निरंकार है, जिसे हमने जाना है। और संतों ने फरमाया भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही सहारा होता है, उसको जप कर लोग भवसागर से पार होते हैं। लेकिन जब सिमरन की बात आती है, नाम की बात आती है, तो हमें पुरातन जो नाम धन मिले हैं वही हमें याद है। सतयुग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण, इस नाम को जपा गया। उसके बाद में त्रेता में आए तो सीताराम राम राम, इस नाम को जपा गया। द्वापर में आए तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस नाम को जपा गया। हर युग में परमात्मा ने अवतार लिया, और हर युग में अवतार लेने के बाद में जब उस परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो हम उस परमात्मा का नाम सुमिरन के द्वारा लेने लगे। और जब जब हम सुमिरन के द्वारा परमात्मा का नाम ले रहे थे, उस समय हमें इस परमात्मा की पहचान सद्गुरु के द्वारा हमें हुई थी। और आज कलयुग में जब ये प्रश्न आया कि हम पुरातन युगों में जिन देवी देवताओं ने अवतार लिया उसका नाम हम जप रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में भी हमें उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए। लेकिन कलयुग में कौन सा नाम जपें? आज कलयुग में नाम जपने के लिए जहाँ से इन तीनों की उत्पत्ति हुई है, जैसे कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि सदगुरु के द्वारा जब हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। कहा भी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहीं, भक्त है ते लीला भो करें। कहते कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार होता है, तब तक ये परमात्मा अवतार लेता है। तो हर युग में अवतार लिया है, तो इस कलयुग में भी अवतार लेगा, लेकिन उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। हम पहचानेंगे कैसे, इस बात को तो हम बाद में बताएंगे। आज का विषय हमारा सुमिरन है, तो हम उस परमात्मा का नाम लेते हैं। आज हमारे जीवन में जब सद्गुरु का आगमन हो जाता है, जब सद्गुरु हमें इस परमात्मा की पहचान करा के देता है, तो जो नाम मिलता है उस नाम का हम सुमिरन करते हैं। और सुमिरन का अर्थ होता है जप, जिसे हम कहते हैं कि जप किया जाता है। जो जो भक्त हुए हैं उन्होंने परमात्मा का जप किया है, परमात्मा का सुमिरन किया है। उदाहरण के रूप में राम भक्त हनुमान ने भी प्रभु रामचंद्र जी का सुमिरन किया, उनका नाम जपा, और आज शासन जी भवसागर से पार हो गए। उसी तरह से हमने भी जीवन में इस परमात्मा का नाम सुमिरन करना है, लेकिन सुमिरन करते समय, परमात्मा का नाम लेते समय हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा है कहाँ। अगर नहीं पता है तो ऐसे सदगुरु के चरणों में जाओ और उसके जरिए इस परमात्मा का नाम लो, ताकि आप सुमिरन करने के बाद आपका यह लोग भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो जाए। क्योंकि सुमिरन करने से हमारे मन में ताकत आती है, शक्ति मिलती है, और हम बुराइयों से भी लड़ते हैं। इसलिए सुमिरन का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। और जो लोग इस परमात्मा का सुमिरन करते करते अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, उनका यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। क्योंकि यह लोक और परलोक में केवल एक नाम ही ऐसा समय है, नाम ही ऐसा टिकट है जो हमें बहुत सागर पार करा देता है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं,
तो हमें टिकट लेना होता है। अगर टिकट हमारे पास नहीं है तो हमें पेनल्टी भरनी होती है। उसी तरह से जब इस शरीर से जीव निकलेगा, जब वो परमात्मा के पास जाएगा, तो नाम धन का टिकट हमारे पास होना चाहिए। अगर नाम धन का टिकट नहीं है तो हमें जो भी कर्म है उसका हर्जाना हमें वहाँ भरना पड़ता है। तो ये टिकट आप हमेशा अपने पास रखिए, सुमिरन की ताकत हमेशा अपने पास रखिए, ताकि जब हम परमात्मा के पास जाएं, जब इस शरीर से जीव निकले, तो उसे इस सुमिरन की ताकत से उसे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। तो इन्हीं वचनों से मैं आपसे विदा लूँगा। सुमिरन के विषय में जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है वो मैंने आपके सामने रखा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे नए नए अनुभव, नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये जो मेरा अनुभव है, ये जो मेरे विचार हैं, आपको कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर हमें बताइएगा। और आपका जिस तरह से प्यार मिल रहा है, गुलाल मिल रहा है, ऐसा हमेशा मिलता रहे। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगला वीडियो में कुछ नया अनुभव लेके, कुछ नई बातें लेके। तो इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।